गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग, की हाल चाल जी? वधिया हो? सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए जी। तो एक छोटी सी वीडियो अपनी पूरी की पूरी सीएस की फैमिली के लिए, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके न्यू सिलेबस के एग्जाम है, मतलब ये लगा लो कि अवेयरनेस वीडियो कह लो, या आपकी मतलब आपको सही जानकारी मिले उसके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है। क्योंकि मेरे कुछ बच्चों का ना ग्रुप है, तो उसमें एक वीडियो पता नहीं आई थिंक किस टीचर की, आई थिंक वो दिल्ली के नहीं है, और कमाल की बात है वो ये बता रहे हैं कि न्यू सिलेबस में टेक्स्ट में कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं कि बहुत मुश्किल होने वाली है। मतलब प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि चलो आप टेक्स्ट पढ़ा रहे हो, आप फिर टेक्स्ट की बात कर रहे हो, तो बात समझ में आ रही है। बट मेरे को लग रहा है कि आप टेक्स्ट पढ़ा नहीं रहे, बट आप फिर टेक्स्ट के बारे में बता रहे हो कि चेंजेस इतने सारे हैं। मतलब आप अगर वीडियो वो देख लोगे ना, इतने सारे चेंजेस टेक्स्ट में आ चुके हैं, अब न्यू सिलेबस में क्या होगा? मतलब मेरे को लगा यार, मैं तो 8 साल से टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, शायद मेरे को ही नहीं पता होगा कि इवन, तो मैंने पूरा मॉड्यूल चेक कर लिया। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये नालायक बच्चे मत बना करो, ये ग्रुप में मत शेयर किया करो। तो मतलब नेगेटिव न्यूज़ तो ऐसे शेयर करते हो, ऐसे शेयर करते हो, पता नहीं क्या हो गया। मैं अभी मुजरा करके दिखा दूंगा ना आपको, आप ये वीडियो शेयर कर दोगे, अच्छी बात होगी, वो शेयर नहीं करोगे। अब सुना ध्यान से, क्या मैंने इसलिए स्पेशली आपके लिए मैंने क्या किया, एक PDF बनाया है जिसमें ओल्ड सिलेबस में टेक्स्ट का पेपर और न्यू सिलेबस के अंदर टेक्स्ट का पेपर आपस में पूरा कंपैरिजन किया है। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, 99% सिलेबस बिल्कुल सेम है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 99% सिलेबस बिल्कुल सेम है। अगर आप मॉड्यूल चेक करोगे, सिंगल सिंगल चीज़ आपको सेम मिलेगी, और जहाँ जहाँ डिफरेंसेज है ना, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि ये डिफरेंसेज है। इवन कमाल की बात क्या सर, न्यू सिलेबस में इनकम टैक्स में एक चैप्टर डिलीट किया है, उन्होंने एडिशन कुछ भी नहीं किया। मतलब 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड किए हैं, बाकी एक चैप्टर ही डिलीट कर दिया। उसमें अच्छी बात और कमाल की बात, देखो इनकम टैक्स 60 नंबर के न्यू सिलेबस में, जो 50 नंबर का था ओल्ड सिलेबस में, ठीक है। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब भाई साहब बच्चे ने ग्रुप में डाली, बच्चों कह रहे हाय राम अब क्या होगा, विवेक सर प्लीज बताओ ना अब क्या करें। मतलब पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा ये पर्सन है कौन, फिर मैंने जाके उनके यूट्यूब पे देखा, वो मतलब टैक्स नहीं पढ़ाते, दिल्ली से बाहर के ही हैं। फिर मैंने देखा यार, मतलब बच्चों को इतना क्यों डरा रहे हो आप, मतलब कम से कम सही न्यूज़ तो आप दे दो ना यार। इधर देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बता देता हूँ, कंपैरिजन क्या है ये देखो ध्यान से, आपके सामने है ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस। अब एक तरफ ओल्ड सिलेबस है, दूसरी तरफ आपका न्यू सिलेबस है, ठीक है ना। अब ओल्ड सिलेबस जो है 50 मार्क्स का है, मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट उसमें 50 नंबर का था, अब जो है वो 60 नंबर का है। पहला चेंज तो ये आया बस, मतलब वेटेज आपकी इंक्रीज हो गई है, और कमाल की बात देखो वेटेज इंक्रीज हो गई है, सिलेबस थोड़ा सा पहले से कम हुआ है। अगर आप चेक करोगे ना, देखो टॉपिक नंबर 1 में, टॉपिक नंबर 1 बिल्कुल सेम है, टॉपिक नंबर 2 बिल्कुल सेम है, टॉपिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, मतलब जहां जहां मैंने हाईलाइट किया होगा ना, आपको मैं दिखाता हूं, देखो जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ ये माइनर से चेंजेस है न्यू सिलेबस के अंदर। मतलब जो ये येलो वाला पोर्शन है, सिर्फ ये माइनर चेंज है, और इवन ये भी ओल्ड सिलेबस के अंदर था, बट उन्होंने अलग से स्पेसिफाई कर दिया कि ये आपको अलग से करना है बस। उसके बाद एक और ही, मतलब येलो वाला पोर्शन अगर आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ चेंजेस हैं, और बाकी टॉपिक नंबर 13 ओल्ड सिलेबस के अंदर पूरा एक चैप्टर था असेसमेंट का, अपील का, रिवीजन का, सर्च का, सीजर का, वो चैप्टर ही इन्होंने डिलीट कर दिया। अगर आप न्यू सिलेबस के अंदर देखोगे, अगर आप उसका इंडेक्स चेक करोगे न्यू सिलेबस का, तो कहीं पर भी आपको अपील रिवीजन वाला चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, इसकी थोड़ी बहुत इंटरलिंकिंग होती है, वो मैं क्लास में करवा देता हूँ, बट स्पेसिफिकली इन्होंने अलग से अपने इंडेक्स में स्टार्टिंग से कहीं चैप्टर नहीं दिया हुआ न्यू सिलेबस के अंदर, जबकि ओल्ड सिलेबस के अंदर था। तो मतलब एक चैप्टर आपका डिलीट हुआ है न्यू सिलेबस के अंदर, ना कि कोई नया ऐड हुआ है। तो इवन सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है, बट हाँ वेटेज आपकी 60 नंबर की हो गई है। बट हाँ ये कह सकते हो कि आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले MCQs थे, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, मिक्स क्वेश्चन बनेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जबरदस्त चाहिए। और इवन मैं तो ये कहूंगा कि सिलेबस कम हुआ है ना, अच्छी बात है, क्योंकि जितना सिलेबस कम होगा उतने क्वेश्चन हम बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि सिलेबस अगर ज्यादा होगा, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो एग्जाम में कई बार दिक्कत आती है। तो ये चैप्टर इन्होंने यहाँ से हटाया है न्यू सिलेबस के अंदर, ये पूरा कंपैरिजन है, इसका मैं टेलीग्राम में PDF भी डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्रक्स लिखा है, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि 3-4 छोटे छोटे टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं, जो वेलकम स्टेप है, बिल्कुल ICSE ने बिल्कुल सही की है। टॉपिक नंबर 13 अपील वाला चैप्टर डिलीट कर दिया, और एक्चुअल में मैं क्लास में कहता भी था कि ये CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे किसी काम का नहीं है, प्रोफेशनल लेवल पे काम का था, तो प्रोफेशनल लेवल में पढ़ते भी थे, तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे इन्होंने अब डिलीट कर दिया, मतलब ये टॉपिक नंबर 13 आपको नहीं करना। फिर दूसरा डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है कि पहले 100% MCQs था, अब 20% MCQs है, 80% सब्जेक्टिव पेपर बनेगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, हमें प्रेजेंटेशन करके आनी है, क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं। तो एक बात मेरे को बताओ, आपका भाई यहाँ पे बैठा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? मतलब अभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है? सच्ची बताओ, हंस क्यों रहे हो मेरे को देख के, क्यों स्माइल पास कर रहे हो? बच्चे कह रहा आपको देख के हमें स्माइल आ रहती है, ओह माई गॉड।
इतना देखो ध्यान से, आपकी वेटेज जो है इनकम टैक्स की 60 नंबर की है जी। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा टफ होगा न्यू सिलेबस के अंदर इन कंपैरिजन टू ओल्ड सिलेबस। रीजन क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा, तो आपको बहुत सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा तब जाके वो क्वेश्चन सोल्व होंगे, बस ये बात ध्यान दो। और सेम कंपैरिजन जीएसटी का भी मैंने बनाया, जीएसटी एंड कस्टम तो बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ एक पॉइंट इन्होंने चेंज किया है और वो लगता है चेंज बहुत बढ़िया चेंज इन्होंने किया है। एक्चुअल में क्या था, ओल्ड सिलेबस पे जो एग्जम्पशन का चैप्टर था ना उसमें गुड्स एग्जम्पशन कवर थी, सर्विस वाली एग्जम्पशन इन्होंने मॉड्यूल में डाली नहीं हुई थी। और याद करो मैंने क्लास में आपको करवाई भी थी और मैंने कहा था कि इसमें से ना क्वेश्चन बनते हैं बट वो मॉड्यूल में नहीं थी और क्वेश्चन कई बार बनते थे तो फिर बच्चा कहता था पेपर बाहर से आ गया, तो फाइनली इन्होंने मॉड्यूल में ही कवर कर लिया। मतलब अगर आप नए वाला मॉड्यूल चेक करोगे तो सर्विस के जो एग्जम्पशंस है ना इन्होंने मॉड्यूल में ही कवर कर लिए और बहुत बढ़िया किया, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे थे जो एग्जम्पशन से लिंक होते थे, बच्चे को समझने में दिक्कत होती थी, तो फाइनली अब एग्जम्पशन अगर अच्छे ढंग से करेंगे तो पूरा का पूरा जीएसटी मस्त तरीके से क्लियर होगा जी। ठीक है जी, तो बस देखो मैंने हाईलाइट किया है कि पहले सिर्फ गुड्स वाला कवर था, सर्विस में से भी क्वेश्चन बनते थे बट वो काफ़ी सारे बच्चे सोल्व क्यों नहीं कर पाते थे, रीज़न क्योंकि एग्जम्पशन करके जाते ही नहीं थे, वो कहते थे मॉड्यूल में कहाँ है, तो इन्होंने मॉड्यूल में डाल दिया सर्विस वाले एग्जम्पशन भी, ये एक नया एडिशन है। और बाकी अगर आप चेक करोगे आईटीसी में छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने नए ऐड किए हैं, वो थोड़े बहुत चेंजेस हैं और बाकी सारा का सारा कुछ सेम है और कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, 99% सेम है। और जो 1% चेंज किया उसको मैं चेंज नहीं कहूँगा, वो पहले भी था बट वो मॉड्यूल में अलग से क्लैरिफाई नहीं था, एग्जाम में तो भी आता था, एग्जाम में अब भी आएगा जी। देखो मैंने करेक्ट यहाँ पे क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं, कोई डिलीशन कुछ नहीं किया, जो पहले था वो आज भी है, कुछ टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं जी। कस्टम वही 40 नंबर का जीएसटी एंड कस्टम 40 नंबर का, पहले 50 नंबर का था, अब 10 नंबर इन्होंने कम कर दिए हैं, हाँ बट थोड़ा एडिशन किया है, नंबर इन्होंने कम कर दिए बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीएसटी एंड कस्टम में 40 में से 40 हमारे पक्के हैं, इतनी मेरी कमिटमेंट आपसे। बाकी सेम 20% एमसीक्यूज है, 80% सब्जेक्टिव है। अच्छा इसमें ना अभी तक मेरे ख्याल से ये क्लियर नहीं किया कि जो एमसीक्यूज है वो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आई थिंक मेरे को भी इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि उसके अंदर आई थिंक इन्होंने कहीं लिखा नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, बट आईसीएसआई में भी जल्दी नोटिफाई करेगा तो अच्छी बात है। बट हाँ ये तो क्लियर है कि 20% आएंगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज और 80% होंगे सब्जेक्टिव, और बाकी अगेन डिफिकल्टी लेवल जो होगा पुराने से ज़्यादा होगा, रीजन क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इंटरलिंकिंग आपस में बनेगी, पूरा जीएसटी ना मतलब पूरा जीएसटी वैसे हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहीं पे आके खत्म हो जाएगा, इतनी जबरदस्त इंटरलिंकिंग होगी, आपको जीएसटी पढ़ने के नजारे आ जाएंगे। मतलब मैं तो इतना खुश हूं ना कि एग्जम्पशन का चैप्टर जब इन्होंने ऐड किया ना, आपको नजारे आ जाएंगे जीएसटी पढ़ के, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है जी, चलो तो बस ये थोड़ी सी जानकारी मेरे को देनी थी, तो बिना बात के कंफ्यूज मत हुआ करो, हैं सुन रहे हो मेरी बात, आपसे ही बात कर रहा हूं, मतलब आपके चक्कर में भाई साहब कम से कम 2 घंटे मेरे लग गए, मैंने कहा कंपैरिजन करके दे देता हूँ ताकि कम से कम बच्चा देख ले कि भाई साहब कोई इतने चेंज नहीं है, आराम से दिमाग खराब मत किया करो। जब से मतलब मेरे को लगता है कई बार ना वीडियो ऐसे वायरल हो जाती है, और नेगेटिविटी तो खास तौर पे, मतलब पॉजिटिविटी वायरल नहीं होगी, नेगेटिविटी वायरल हो जाएगी, मतलब कोई भी चीज बस मिल जाए हो माई गॉड, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो नालायक कहीं के। ठीक है जी, तो बस मैं दोबारा अपने दोस्तों को समझा देना कि कोई इतना मेजर चेंज नहीं है, 99% सेम है, आराम से पढ़ाई करो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो और कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। जून 23 में वैसे भी ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल है, दिसंबर के अंदर ओल्ड भी है न्यू भी है, आपका भाई जब तक बैठा है, जब तक भगवान ने मेरे को इच्छा शक्ति दी हुई है, जब तक भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, आपको टैक्स में टेंशन नहीं है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप टेंशन भूल जाओ, आप ये समझो कि टैक्स तो है ही नहीं, जो होगा बस आपने बस ये प्रे करनी है, दुआओं में याद रखना कि मैं मेरा स्वास्थ्य सही रहे, टेंशन आपको टैक्स की नहीं है, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय।